हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही महंगी मिठाई सस्ते में बनाकर शेयर करूंगी, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिया है करीबन 1 कप मूँगफली है, जो भुनी हुई मूँगफली है, और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। अब इसको डाल देंगे एक मिक्सर जार के अंदर। अब उसी कप में मैंने लिया है ये टुकड़े वाला काजू, ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 70 से 80 रुपए का 100 ग्राम मिल जाता है। तो काजू की मात्रा पूरी 1 कप है और मूंगफली थोड़ी सी कम, 1 कप से थोड़ी सी कम ली है। अब इन दोनों को डाल करके इसको कोर्स पीस लेंगे, मतलब मिक्सर चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे, इस तरीके से पीसेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए पाउडर बन गया है। और फिर एक थाली लेकर के और एक बड़े होल वाली छन्नी लेकर के इसको छान लेंगे। इसका फाइन पाउडर हमको चाहिए, मोटी मोटी जो गांठें होंगी उसको दोबारा से मिक्सी में पीस लेंगे। तो दोस्तों ये मिठाई सस्ती तो होगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, और 1000 रुपये किलो वाली काजू कतली को टक्कर देगी। तो ये देखिए सारा पाउडर मैंने बना लिया है। और फिर इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर, सूखा हुआ दूध का पाउडर मिलता है मार्केट में, 10 रुपये का एक पैकेट अगर ले लेंगे तो उसमें भी आपकी ये मिठाई बन जाएगी। अब इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे पूरा। तो दोस्तों आप ये मिठाई जब भी बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी, इसका टेस्ट कैसा लगा, और आपको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब लिया है एक कढ़ाई और इसमें उसी कप से लिया है मैंने थोड़ा सा चीनी, और उसी कप से करीबन 3/3 पानी हमको डालना है। अब इसको चीनी को अच्छे से पिघला लेना है। ये चाशनी हमारी अच्छे से उबल रही है, ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए, इसमें कोई तार नहीं बनाना है हमको। ये जब आप बनाएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ये देखिए ये लगभग जैसा हमको चाहिए वैसा हो गया, ये हाथों पे मैं बता रही हूँ, ये चिपचिपा सा हो रहा है और एक हल्की सी तार बन रही, आपको दिखा होगा। अब ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने सारे काजू और मूंगफली के पाउडर को। इसको डाल करके हमको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, इसमें कोई गांठे ना पड़े। यहाँ पे मेरी कढ़ाई जल रही थी तो मैंने कपड़े से पकड़ लिया है, और इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी पे आप इस रेसिपी को बनाइएगा और व्रत में खाइएगा, चाहे तो भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगा सकते हैं इसका साफ सुथरा बना करके। और दोस्तों मेरे हिसाब से व्रत उपवास में बाहर की चीज़ें कम ही हमको खाने चाहिए, क्योंकि हम इतने कष्ट से व्रत रखते हैं और बाहर की चीज़ों में मिलावट होता है। तो ज़्यादा से कोशिश करें कि हम घर में ही बना लें। तो आप लोग भी इसको घर में ही तैयार करिएगा और इसका भगवान जी को भोग लगाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा। तो ये देखिए लगभग ये पक चुका है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे करीबन 5 से 7 मिनट। ये लगभग गाढ़ा हो चला है। अब इसमें डालेंगे करीबन 1 से 2 चम्मच घी, यहाँ पे मैं डालूँगी। घी डालने से इस मिठाई में चमक आ जाएगी और काफ़ी सॉफ्ट भी होगा, मुलायम होगा। ये देखिए यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसको फिर से मिलाएंगे अच्छी तरीके से।
ये देखिए ये लगभग हो चला है, लगभग ये गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम एक दो मिनट और अच्छे से भून करके फाइनल मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा कि क्योंकि कोई भी रेसिपी 10 या 8 मिनट में नहीं बनती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक थाली ली है और इसमें थाली में लगा दिया है करीबन 1 चम्मच घी, और जो हमारा ये काजू का मिश्रण है इसको थाली में निकालेंगे, और निकालने के बाद इसको चम्मच से खूब अच्छे से मिला करके ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये आटे की तरह हो जाएगा, जैसे हमारा आटा का डो लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और हाँ इसको एकदम ठंडा करके नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। ये देखिए मैंने हाथ लगा दिया है यहाँ पे, ये अभी गुनगुना था तो फिर इसको हाथों से मैं इसको मतलब एक बड़ी सी लोई तैयार करूँगी। ये लगभग तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है बोर्ड, और इस पे लगा देंगे 1 चम्मच घी, 1 से 1.5 चम्मच, और फिर बेलन में भी लगा देंगे उसी घी को, और फिर 2 से 1/2 इस पे डाल करके हम इसको हाथों से सेट करके बेलेंगे बेलन से। घबराइए नहीं दोस्तों, ये चिपकेगा नहीं, ये बहुत ही आराम से इसको आप बेल लेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना पतला या मोटा रखना चाहते हैं। काजू कतली थोड़ी सी पतली ही होती है तो मैंने भी इसको थोड़ा सा पतला कर दिया है। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कितना मोटा है। इसके बाद साइड के जो है उसको मैं काट के निकाल दे रही हूँ, ये फिर से मैं उस जब दूसरा वाला मिठाई बनाऊँगी तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। और फिर यहाँ पर हम ट्रायंगल बर्फ़ी के आकार में काट लेंगे। और दूसरा वाला भी मैंने दूसरे बर्तन पर कर लिया है, इसको भी वैसे ही करना है सेम, ऐसे ही हाथों से सेट करके, और ये थोड़ा सा गर्म रहे तभी करना है दोस्तों। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर वो फट जाएगा, इसलिए जब हल्का गर्म रहे तभी हमको ये बेलने वाला काम करना है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको बेल लिया है, और इसको मैंने पहले वाले से थोड़ा सा मोटा रखा है क्योंकि जो पहले वाला था तो वो मुझे थोड़ा पतला लगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। ये देख सकते हैं, आपको दिखेगा। और इसको मैंने कुछ अलग तरीके से काटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे काटूँ, तो मैंने इसको ट्रायंगल काटा है इस तरीके से। तो बस दोस्तों सारी मिठाई को ऐसे ही काट के सजा लेंगे प्लेट में। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर चांदी का वर्क लग जाता है तो इसका लुक और भी बढ़ जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। ये देखिए मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।